हेलो एवरीवन आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में आज के दिन हम देखेंगे कैसे एक बेसिक प्रोग्राम लिखा जाता है सी प्लस प्लस में और ये प्रोग्राम होने वाली है हेलो वर्ल्ड प्रिंटिंग का सो so अगर आप इस वीडियो में नए हो आपको नहीं पता इस चैनल के बारे में तो मैं इस पूरे कम्प्लीट सीरीज़ बना रहा हूँ डी पे तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्ले का पार्ट बने आप सो so, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में सो फर्स्टली मैं ये पूरा जो वीडियो है उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगा स्टार्टिंग में मैं आपको थियरी एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में और फिर मैं आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊँगा सो so फर्स्टली ये एक बेसिक सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम है अगर आपको ये नहीं समझता होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है हम उसको समझते धीरे धीरे से सो so फर्स्टली हम समझते हैं कि इसमें ये जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम एक बेसिकली एक हेलो वर्ल्ड करके एक सेंटेंस है वो प्रिंट करने वाली है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आती होगी अगर आप बिगिनर हो तो तो हम उसको समझते हैं बेसिक बेसिक से सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि इंक्लूड आयो स्ट्रीम क्या होती है इंक्लूड आयो स्ट्रीम है वो एक हेडर फाइल है हेडर फाइल मतलब है कि आयो स्ट्रीम का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जो क्या करती है जो फंक्शंस होती है जो एडवांस फंक्शंस जो सी प्लस प्लस के लाइब्रेरीज में है उसको इंपोर्ट करने में उसको डिस्प्ले करवाने में हमें ये फंक्शन जो है वो हेल्प करती है तो ऑल द नेसेसरी ऑब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन अ हेडर फाइल एंड विदाउट इट वी कैन नॉट यूज देंट तो जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट्स है वो सब स्टोर किया जाता है इस फाइल के अंदर और अगर हमारे पास इस फ़ाइल का एक्सेस नहीं है हम इसको नहीं कॉल करते तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे सेकेंड चीज़ है यूजिंग नेम स्पेस एस ये जो लाइन है सेंटेंस का मतलब ये है कि हम जो भी लाइब्रेरीज है सी प्लस प्लस के अंदर जो भी क्लासेस और फंक्शनस है हम उन सब को इम्पोर्ट कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में और हम ये अगर नहीं लिखते तो हमें अहर डिस्प्ले करी दी तीसरी चीज़ है इंट मेन इंट मेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे प्रोग्राम में क्योंकि जो भी अपना एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का वो स्टार्ट होती है मेन के अंदर तो हमें मेन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी एग्जीक्यूशन इस प्रोग्राम में होने वाली है वो सब इसी के द्वारा होने वाली है लास्ट है सी आउट सी आउट का मतलब होता है इट इज़ यूज्ड टू प्रिंट स्टेटमेंट जो भी हमें प्रिंट करना होगा हमें डिस्प्ले करवाना होगा वो हम सी आउट से डिस्प्ले करवाएंगे और फिर दो ऑपरेटर्स आते हैं एक होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो अपन यूज़ करते होंगे इसका मतलब होता है कि इसी पैरेंटेसिस के अंदर हम जो भी ऑपरेट जो भी हम जो अपना प्रिंटिंग स्टेटमेंट है वो अपन डिस्प्ले कराएंगे और लास्ट है सेमी कॉलन सेमी कॉलन हम क्यों लिखते हैं हमें अगर कोई भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करवाना होगा तो हम सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं सो so, अभी हम देखते हैं एक बेसिक इम्प्लीमेंटेशन ये पूरी प्रोग्राम की तो पहली बात मैं एक फाइल बनाऊंगा तो जो होगा हेलो वर्ल्ड डॉट सी टी पी सो अभी हम लिखते हैं पहली बात तो हैश टैग आयो स्ट्रीट फिर हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एस्टी फिर हम तीसरा चीज़ जो अपन को मेन इंपोर्टेंट है वो है अपन कॉल करते हैं मेन को तो यू एस में एक तरीका है जहाँ पे आप मेन को इजीली जा सकते हो वो है एम ए आई एन लिख के इसको आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा जो इसका स्केल्टन है आपको मिल जाएगा और जो आपको मेन कोड है वो आप लिख सकते हो यहाँ पे सी आउट हेलो वर्ल्ड और हम इसको एंड ऐड कर सकते हैं एंड ऐड मतलब है कि मेरा जो सेंटेंस है ख़त्म हो गया इस का. अभी मैं इसको सेव करूंगा कंट्रोल एस से और मैं इसको फिर रन करूंगा जैसे ही मैंने रन किया इसको तो हम देख सकते हैं अभी देखो यहाँ पे इसलिए हो रहा है हेलो दोल करके इसका मतलब है कि हमने जो प्रोग्राम है इसको सक्सेसफुली एक्जीक्यूट किया है अभी हमें काम करते हैं जिससे आप सीखे हैं हम लिखते हैं हैंडिया के सेव करते हैं और फिर से चेक करते हैं तो हेलो इंडिया लिख के है अगर मैं लिखता हूँ हेलो कोड फ्रीटर्स सेव करता हूँ तो मुझे इसका भी प्रिंट करके दिखाया जाएगा तो इतना इजी है ये कुछ हार्ड नहीं है इसमें तो इसमें हमने जैसे स्टडी किया था कि इंक्लूड लिखते हैं आयोसटीन इनपुट आउटपुट जो भी अपने को लाइब्रेरीज या फंक्शन चाहिए इम्पोर्ट करने के लिए आउटपुट और इनपुट डिस्प्ले होगा इसी के दौरान दूसरा है नेम स्पेस एस टी डी इसके बिना अपने को आउटपुट नहीं मिलेगा और ये भी सेम फंक्शन काम करती है जो भी एसेंशियल आइक्रेस है सी चल प्लेस के वो इम्पोर्ट करने में हेल्प करती है और मेन जो है यहाँ में यहाँ इसके अंडर ही सब एक्सिक्यूशन होती है तीसरी चीज़ है हम सी आउट यूज़ करते हैं हमें प्रिंट करना होगा अगर कोई वैल्यू को तो हम सी आउट यूज़ करते हैं सेमी कॉलर यूज़ करते हैं हमें टर्मिनेट करना होगा इस सेंटेंस को इसलिए और रिटर्न करते हैं ताकि ये जो वैल्यू है हमने जो डाला है सी आउट में वो रिटर्न हो जाए तो यही था आज के वीडियो में बहुत इजी सा टॉपिक था बहुत सिंपल प्रोग्राम थी तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो लाइक करना सब्सक्राइब करना चैनल को एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग